दृढ़ता के साथ बोलने के लिए आज जो हमें दिया गया है पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे के इनके द्वारा जो हमने दृढ़ता के साथ बोलने के लिए आज विषय है वो है आई एम अ ट्री ऑफ राइटियसनेस, मैं धार्मिकता का वृक्ष हूँ, मैं धार्मिकता का पेड़ हूँ। आई एम अ ट्री ऑफ राइटियसनेस, मैं धार्मिकता का पेड़ हूँ। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में से बोलेंगे और ऊंची आवाज़ में और हमारे विश्वास को जोड़ते हुए इसे बोलना है। आई अफर्म दैट आई एम अ ट्री ऑफ राइटियसनेस प्लांटेड बाय द लॉर्ड मैं दृढ़ता के साथ बोलता हूँ कि मैं धार्मिकता का पेड़ हूँ जिसे प्रभु ने लगाया है। आई एम इन क्राइस्ट एंड आई सी ऑल ट्रायल्स एंड चैलेंजेस that come my way as bread. मैं मसीह में हूँ और मेरे जीवन में परीक्षाओं को और चुनौतियों को मेरे मार्ग में आने से मैं उनको रोटी समान समझता हूँ। No force has the ability to defeat me or throw me off balance because greater is he that lives in me than he that is in the world. कोई जोर ऐसा नहीं जिसमें ये काबिलियत हो कि मुझे हरा दे या मुझे गिरा दे या मुझे अपने नियंत्रण से हटा दे, क्योंकि वो सामर्थ्य मुझ में रहता है जो इस जगत से ज़्यादा सामर्थ्य है, वो मुझ में रहता है। आई एम मोर देन अ कॉन्करर एंड आई लिव विथ कॉन्फिडेंस नोविंग दैट ऑल ऑफ हेवन and power of divinity are working for me for my good. मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ और मैं जीने के वक्त में आत्मविश्वास के साथ जीता हूँ, इस बात की जानकारी रखता हूँ जो कुछ भी स्वर्ग और संपूर्णता है स्वर्ग की ईश्वरीय सामर्थ्य मुझ में काम कर रही है मेरे भलाई के लिए। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द कॉन्ट्रारी विंड्स ब्लो माई लाइफ इज अनशेकेबल बिकॉज I am firmly rooted in Christ. कोई परवाह नहीं कोई आंधी कितने ही जोरों के साथ बहे, मेरा जीवन ना हिलने वाला है,
क्योंकि मैं दृढ़ता से जमीन पकड़ा हूँ मसीह में। आई विल नेवर बी डिस्करेज्ड और डिसएडवांटेज्ड बिकॉज आई एम द प्लांटिंग ऑफ द लॉर्ड। मैं निराश कभी नहीं होऊंगा और ना ही मुझे कहीं पर गलत इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि मुझे प्रभु ने रोपा है। द ग्लोरी ऑफ गॉड इज रीजन अपॉन मी एंड आई मैनिफेस्ट दैट ग्लोरी एवरीवेयर। परमेश्वर की महिमा मुझ में जीवित हो चुकी है और वही महिमा सब जगहों में मैं प्रकट करता हूँ। द पावर ब्यूटी एक्सलेंस ऑफ गॉड रिसाइड इन मी इन माई स्पिरिट एंड थ्रू मी। हिज राइटियसनेस इज एस्टैब्लिश्ड एंड हिज ग्रेस एंड लव आर रिवील्ड टू मैन। सामर्थ सुंदरता और उत्कृष्टता परमेश्वर की मेरे आत्मा में रहता है और मेरे द्वारा उसकी धार्मिकता स्थापित होती है और उसका अनुग्रह और प्रेम मनुष्यों के बीच जाहिर होता है। टुडे एंड ऑलवेज आई डिस्प्ले द वंडरफुल डीड्स एंड परफेक्शंस ऑफ हिम हु हैज कॉल्ड मी आउट ऑफ डार्कनेस इनटू ग्लोरी एंड वर्चू। आज और हमेशा मैं दिखाता हूँ सुंदर कामों को और उसके सिद्धता को जिसने मुझे बुलाया है अंधकार में से महिमा में और ईश्वरीय गुणों के साथ। आई नो हु आई एम। आई एम द सीड ऑफ अब्राहम। मुझे मालूम है मैं कौन हूँ। अब्राहम का मैं बीज हूँ। द वर्ल्ड बिलोंग्स टू मी। यह जगत मेरे लिए है। आई रेन एंड रूल ओवर सर्कमस्टेंसेस बाय द पावर ऑफ द ग्रेटर वन हु लिव्स इन मी। मैं इस जगत पर उसकी सारी परिस्थितियों पर उस सामर्थ्य के साथ राज्य करता हूँ और प्रभुता करता हूँ जो मुझ में रहता है। वह सबसे सामर्थी उसके द्वारा मैं राज्य और प्रभुता करता हूँ। He lives in my spirit, in my soul and in my body। वो मेरे आत्मा में रहता है, मेरे प्राण में रहता है और मेरे शरीर में रहता है। No failure for me and no defeat on my path। I am moving from glory to glory and from victory to victory। मेरे लिए कोई भी असफलता नहीं
और ना ही हरने की बात मेरे मार्ग में, क्योंकि मैं आगे बढ़ता हूँ महिमा से महिमा तक और जयवंत से जयवंत तक। महिमा हो परमेश्वर की। हालेलुया। हमने ये बहुत दृढ़ता के साथ ऐसे और भी जो परमेश्वर उसके वचन के अनुसार हमसे बोलता है, हमने उसे बोलना है। और इस प्रकार से हमने बोलने की वजह से उद्धार के परे जो लाभ हमारे लिए रखे गए उद्धार के, उसको हम आनंद ले पाएंगे। ये पास्टर क्रिस ओयाकिलो में हमको इनके विषय में इस प्रकार से समझाते हैं। अब हम अन्य भाषा में बातें करेंगे। प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।